बीजेपी की मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। मैम आज तो क्लियरली आप ही लोगों ने हंगामा किया और उसकी वजह से सदन स्थगित हुआ, आज तो कुछ इफ्फत है ही नहीं। नहीं, हंगामा मतलब वो कुछ भी गलत बात कहेंगे तो वो मान ली जाए क्योंकि वो बहुमत में है। अगर वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि चुनाव शुरू किया जाए और उसकी गाइडलाइन बताई और तुरंत उसके बाद में उनके नेता पक्ष जो है वो खड़े होकर के कहते हैं हम चुनाव नहीं होने देंगे, हमें ये मान्य नहीं है, अरे डीएमसी एक्ट के बाहर जा करके आपका कुछ करेंगे क्या? जब उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, एक एल्डरमैन जिसने 2016 में आप केस किया था कि एल्डरमैन को क्या अधिकार हैं ये बताया जाए, और उस केस के जजमेंट में साफ तौर पे पहली बार जो है निकल के आया कि एल्डरमैन वोट भी डाल सकते हैं और इसके बाद से उनके वोट डलने शुरू हुए जोन में, और उसके बाद से उनके वोट जो हैं वो खुद भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव लड़ना शुरू हुए, उससे पहले वो भी नहीं था डीएमसी एक्ट में, वो कहीं मेंशन नहीं था। इसमें सवाल ये है कि जोन के चुनाव में उनको अधिकार दिया है कोर्ट ने, एक्ट में तो वो भी नहीं है, कोर्ट ने दिया उनको कि जोन में चुनाव में आप वोट डालीजिए, लेकिन आज जो होना था मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, इसमें तो उनको अधिकार ही नहीं है। ये आप कह रहे हैं ना, जब कोर्ट की गाइडलाइन है कि उनको अधिकार है, वो माननीय सदस्य हैं उनके लिए है, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी किताब में कि जी उनका जोन के लिए है और मेयर के लिए नहीं है, सदस्य पूरे हाउस के लिए है, एक माननीय सदस्य है, वो नॉमिनेटेड सदस्य को अधिकार है वोटिंग करने का, यदि उनको किसी तरह की इफ एंड बट है तो वो कोर्ट गए थे, उन्होंने अपनी प्ली वापस क्यों ली, क्यों वापस ली, लेके आते हैं ना कोर्ट के ऑर्डर, उन्होंने प्ली क्यों वापस ली, उन्होंने पहले डाल दिया कोर्ट में और उसके बाद तुरंत वापस ले लिया, केवल अपना वो करना है। अरे आज से पहले जो हुआ था वो भी नहीं हुआ, आज से पहले 30 एल्डरमैन जो आम आदमी पार्टी ने पिछली बार अपने कार्यकाल में बनाए वो क्यों बना लिए, वो कैसे बना? पर वोट में वो सिर्फ वोट तक सीमित, आज तक जो है होता ये था कि एल्डरमैन बनते थे मिड ऑफ द ईयर एल्डरमैन बनाए जाते थे जिसके कारण से वो मेयर में इन्वॉल्व नहीं होते थे, परंतु पहली बार इस तरीके का माहौल बना है कि टाइमली एल्डरमैन बन गए हैं, टाइमली पूरा प्रोसीजर शुरू हो गया है और वो कर रहे हैं। आपके पार्षद वेल में आ गए, वही आज चीज को बता करेंगे। आप दिल्ली का बजट रोके हुए हैं, आप दिल्ली को काम नहीं सारे के सारे विकास कार्य रुके हैं, तो ऐसे कब तक चलेगा? ये देखिए गुंडागर्दी अभी भी चल रही है, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे शोर मचाने का, फिर भी वो मचा रहे हैं, ये चाहते ही नहीं है। केजरीवाल साहब केवल विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, उन्होंने केवल नाम लगाना है कि मुझे पुलिस काम नहीं करने दे रही, मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, उनको केवल विक्टिम कार्ड खेलना है, वो चाहते नहीं दिल्ली से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चुनाव हो, कानून को मानना पड़ेगा उनको, जो एक्ट मिल गया वो मानना पड़ेगा। क्यों उन्होंने वापस लिया? आप कोर्ट से लेके आते किस किस की वोट होनी चाहिए और होता तो वो क्लियर हो जाता है। दोनों के चुनाव में डाल सकते हैं तो इसमें भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल। एमसीडी से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।